In ninth class, in chapter number one, that is matter, हमने क्या पढ़ा था? We started about two type of processes. What are the two types of processes? Physical and chemical process. Ninth class में पढ़ा था and in ninth class, chemistry के first two chapters में हमने सिर्फ आपको physical processes पढ़ाए थे. ठीक है? Sublimation, evaporation, centrifugation. You heard about? ये सारे नाम सुने हुए हैं. All these are physical processes. All these are physical changes. तो कोई भी change, जब किसी भी matter में कोई भी change होता है, it could be physical, it could be chemical. Physical processes होते हैं जिसमें chemical composition या compound या elements जो हैं वो same रहेंगे, वो change नहीं होंगे. There is no formation of any new substance. फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. सच चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस. दैट इज व्हाट वी स्टडीड इन मैटर इन क्लास नाइन्थ. तो फिजिकल प्रोसेसेस हम ऑलरेडी क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं. वी स्टडीड अबाउट देम. सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, सॉलिड लिक्विड गैसेस, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, फ्यूजन, है ना, सॉलिडिफिकेशन, वो सारे के सारे चेंजेस क्या थे? ऑल दीज चेंजेस आर physical changes, and physical changes could be reversible as well as irreversible. Reversible like आप water को solidify करिए और ice बना दीजिए, है ना, उसके बाद ice को fridge से बाहर निकालिए और वो melt हो जाएगी. It will again becomes a liquid. So that process could be reversible. Certain physical changes are irreversible, है ना. कुछ physical changes ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल भी होते हैं, जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, जिसको आप वापस नहीं कर सकते. लाइक रेनफॉल, बारिश हो गई, पानी नीचे आ गया, ठीक है, वो रिवर्सिबल नहीं है. वो बाद में दोबारा से द न्यू वाटर विल गो, विल राइज, विल कंडेंस एंड विल अगेन प्रेसिपिटेट. ठीक है. नाउ मूविंग टू केमिकल प्रोसेसेस. इन अ केमिकल प्रोसेसेस सर्टेन न्यू सब्सटेंसेस आर बीइंग फॉर्म्ड. फिजिकल चेंज में या फिजिकल प्रोसेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि केमिकल प्रोसेस में देयर बी अ न्यू फॉर्मेशन, देयर बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपाउंड एंड वी आर गोइंग टू स्टडी सच केमिकल चेंजेस. हम वो सारे केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे और उन केमिकल चेंजेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो होती है मेरी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. तो सबसे पहले वी विल राइट डाउन व्हाट इज द केमिकल चेंज. राइट डाउन केमिकल चेंज. मैंने आपको बोला था टू मेक अ सेपरेट रजिस्टर फॉर केमिस्ट्री. प्लीज राइट डाउन केमिकल चेंज व्हेनेवर ओरिजिनल सब्सटेंस lose its identity and certain new substances are formed. ठीक है, वो अपनी identity बदलेगा, lose its identity and new substance is formed. Such changes are known as such changes are chemical change. Such changes are known as chemical change. ठीक है. Now what will determine that there is a chemical change? कैसे पता चलेगा कि change जो है वो chemical है और physical नहीं है? ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, लेकिन केमिकल चेंज हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? हाउ विल वी डिटरमाइन दैट द सर्टेन चेंज इज अ केमिकल चेंज? सो फोर थिंग्स विल हेल्प अस टू डिटरमाइन दैट देयर इज अ केमिकल चेंज. राइट, टेल मी फोर थिंग्स दैट डिटरमाइन केमिकल चेंज. क्या होती हैं चार बातें जो ये बताएंगी कि देयर इज अ केमिकल चेंज? फोर थिंग्स दैट डिटरमाइन द केमिकल चेंज आर, फर्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट,
ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट बदल जाना, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, शायद लिक्विड है तो शायद गैस बनने लग जाएगी, गैस है तो शायद सॉलिडिफाई हो जाएगा, विल बिकम सब्लिमेशन वाला, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। सो देयर इज ईदर अ चेंज ऑफ स्टेट, इन चारों में से कोई एक भी हो सकता है, इन चारों में से कोई दो भी हो सकते हैं, कोई तीन भी हो सकते हैं, और साइमल्टेनियसली चार के चार भी हो सकते हैं। सो इफ एनी ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, इट विल लेट अस डिटरमाइन दैट यस देयर इज सम केमिकल चेंज हैपनिंग, बट द प्रायर कंडीशन, द फोरमोस्ट कंडीशन फॉर अ केमिकल चेंज टू हैपन विल रिमेन द सेम। फोरमोस्ट कंडीशन क्या है? सर्टेन न्यू सब्सटेंसेस शुड बी फॉर्म्ड। चेंज ऑफ स्टेट तो वॉटर और आइस में भी हो रही है ना, चेंज ऑफ स्टेट इज हैपनिंग इन वॉटर एंड आइस, बट स्टिल इट इज अ फिजिकल चेंज। ओके, ये चारों चीजें होने के साथ साथ देयर मस्ट बी सम न्यू सब्सटेंस दैट नीड टू बी फॉर्म्ड, ओनली देन वी विल से दैट द चेंज इज अ केमिकल चेंज। अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज होती है और उसके साथ कोई नया सब्सटेंस बनता है तो वी सेज दैट यस देयर इज अ केमिकल चेंज। सो देयर इज चेंज व्हिच इज नोन एज केमिकल चेंज। चलिए राइट डाउन, द फर्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट, सेकेंड इज चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, सम गैस इज बीइंग रिलीज्ड, है ना, कोई गैस निकल रही है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड फाइनली चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या, या तो जो भी सब्सटेंसेस बन रहे हैं उनका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है, और अगर जो सब्सटेंसेस मेरे पास है वो ठंडे पड़ गए है ना, उनका टेम्परेचर कम हो गया। सो आउट ऑफ दीज फोर एनी वन कुड बी देयर, टू थ्री फोर कुड बी देयर, बट माई फोरमोस्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी सम केमिकल चेंज दैट मस्ट बी हैपनिंग। लेट्स नाउ बिगिन विद ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। पैरेलली आई विल एक्सप्लेन यू द एक्टिविटीज विच आर बीइंग रिटन इन द एनसीईआरटी, ठीक है, हर एक के साथ एक एक एक्टिविटी एसोसिएटेड है जो एनसीईआरटी में लिखी है, that I'll parallelly explain it to you. Let's start with the very first one, that is change of state. Let's discuss the first one, change of state. Okay. In your NCRT, please see to your NCRT. In your NCRT, page number 1, jo bhi hai, activity 1.1. Theek hai, NCRT activity page number 1.1 pe, dekhiye, what has he done? उसने क्या किया है, एक वन मैग्नीशियम रिबन, उसने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको रब किया विद द सैंड पेपर। व्हाई डू वी रब द मैग्नीशियम विद द सैंड पेपर? जो आपने मैग्नीशियम का रिबन लिया था उसके ऊपर लेयरिंग होती है, ठीक है, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है। आयरन आर्टिकल्स को बाहर अगर ऐसे ही छोड़ दें तो दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। आयरन आर्टिकल्स को अगर बाहर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रस्टिंग हो जाती है, कोरोड हो जाते हैं, कोरोजन हो जाती है, क्योंकि दे रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एज वेल एज द वाटर प्रेजेंट इन द वेपर। वेपर्स जो है, ह्यूमिडिटी जो है, वेपर्स मेरे प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो जो मैग्नीशियम रिबन लिया है उसको पहले हम सैंड पेपर से रब करेंगे ताकि उसके ऊपर की जो ऑक्साइड की लेयर है वो पहले रिमूव हो जाए। उसके बाद विद दैट मैग्नीशियम रिबन वी विल बर्न इट विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर, ठीक है, आप डायग्राम देख रहे हैं, एक्टिविटी 1.1 में बना हुआ है डायग्राम, देखिए उसको बर्नर से क्या किया है, बर्न किया है। नीचे व्हाइट कलर की एक चाइना डिश रखी है, इट्स लाइक अ कटोरी, ओके, एक बड़ी सी चाइना डिश रखी है, और जब आप उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे तो उसकी कुछ एशेज निकलेंगी, ठीक है, दैट रिबन इज बीइंग बर्न एंड दोज एशेज आर बीइंग कलेक्टेड इन द चाइना डिश, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ दोज एशेज? इट्स अ व्हाइट कलर्ड एश। Are you getting me? मेरी बात समझ में आ रही है? It was a ribbon first. It was a solid ribbon था. हमने उसको burn किया और वो ash में convert हो गया. So there is a change of state. I'll give you one example. हम सब दिवाली पे crackers burn करते हैं. तो उन crackers में magnesium होता है, क्योंकि normally आपने देखा होगा white color की ash निकलती है. And it comes up with a pop up tickling sound, with a pop up sounds, है ना? टिकलिंग साउंड्स होती है, आवाज आती है उसमें से बर्स्टिंग क्रैकर्स में, बिकॉज द मैग्नीशियम वाज बर्निंग एट दैट टाइम।
Are you getting me? Now magnesium will burn. What happened? Magnesium burn करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? Magnesium burn करेगा तो it will combine with the oxygen. Ignition temperature पे आएगा magnesium. अब matchstick burn करते हैं, क्या होता है matchstick को burn करने से? Matchstick को जब आप rub करते हैं तो वो फटाफट से अपना ignition temperature ले लेते हैं. Ignition means something get ignited, something get started burning. उस temperature पे पहुंचती है और फिर वो जलने लगती है. तो सेम चीज जब आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्नर पे लाए तो बर्नर ने उसके टेम्परेचर को बढ़ाया, रिबन के टेम्परेचर को बढ़ाया, एंड योर मैग्नीशियम रिबन रीचेस टू द इग्निशन टेम्परेचर, अपने जलने वाले टेम्परेचर पे आया एंड इट स्टार्टेड बर्निंग और वो बर्न होने लगा. जब वो बर्न होगा तो वो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा. इट विल प्रेजेंट विद द ऑक्सीजन एंड विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज अ वाइट कलर्ड एश. Are you getting me? ये activity समझ में आती है. जब आप magnesium ribbon को react कराएंगे क्या होगा? Mg plus O2 giving me. हाँ जी, याद करिए जरा, मैंने आपको इसीलिए बोला था magnesium का atomic number MgO बनाते हैं. magnesium का atomic number 12. magnesium का atomic number 12 याद आता है, इसीलिए बोल रही थी वो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वाली याद कर लो ताकि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स याद आ जाए. मैग्नीशियम क्या होता था? एटॉमिक नंबर 12. मैं पहले कंपाउंड की फॉर्मेशन सिखा रही हूँ, प्लीज देखिए मेरे साथ. ये मेरा मैग्नीशियम, ये मेरा ऑक्सीजन. ऐसे ही करते थे हम कंपाउंड फॉर्मेशन. मैग्नीशियम क्या है, क्या वैलेंसी लेता है? Mg2+. यस, मैग्नीशियम क्या लेता है? Mg2+. ऑक्सीजन क्या लेता है? O2-. ऑक्सीजन क्या लेता है? O2-. तो जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो क्या कंपाउंड बनेगा? MgO. कितनों को ये नाइन्थ का कॉन्सेप्ट याद आता है? यस, टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिकॉल वाइट कलर्ड एश. So MgO. So this is the example of change of state. MgO क्या होगा? White colored ash बनेगी. That is MgO when magnesium will burn in oxygen. Please complete. इस time पे this reaction is not balanced. ये जो reaction मैंने लिखी है इसमें balancing नहीं करी क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाई नहीं है, है ना? मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और MgO बनेगा, वो बैलेंसिंग मैंने अभी आपको नहीं सिखाई, इसीलिए मैंने रिएक्शन को अभी फॉर द टाइम बीइंग बैलेंस भी नहीं किया. आई जस्ट लेफ्ट इट हेयर इटसेल्फ. ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है? लेट्स नाउ मूव टू चेंज. हाँ जी, प्लीज टेल मी चेंज इन कलर. ओके, टेल मी कलर. Change in color. Can you give me any example? Change in color का कोई example किसी को याद आता है? किसी को कोई example याद आता है change in color का? आप किसी भी iron nail को, iron article को बाहर छोड़ दीजिए थोड़े दिनों तक, for some 10-15 days. Keel होता है ना, iron nail होता है. Just leave it for the time being outside है. ऐसे ही छोड़ दीजिए. क्या हो जाएगा? It is silvery white, है ना? वो silver से color का होता है. But if I keep it outside, अगर मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँ, तो क्या होगा? It will get rusted. Yes, it will get rusted. There'll be a layer of brown, reddish brown color on my iron nail. आपके घर पे भी iron articles हैं, बहुत सारी चीजें हैं. If you keep them as such outside, अगर आप ऐसे ही उन्हें छोड़ देंगे बाहर, so they will start getting rusted. वो rusting कैसे होती है? क्यों होती है rusting? Because your iron article is being exposed to air and water. ठीक है? पानी के contact. Yes, it reacts with the oxygen to form a layer of oxide. है ना? Fe3O4 की layer बनाता है वो अपने ऊपर. It forms the layer of oxide that is Fe3O4. Fe2O3 भी बनती है, Fe3O4 भी बनता है. ये आपको आयरन की वैलेंसीज जो क्लास 9 वाला टेबल मैंने याद करने को बोला था वहां से पता चल जाएगा कि आयरन दो वैलेंसीज शो करता है. आयरन शोज टू वैलेंसीज, आयरन 2 एंड आयरन 3. इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, प्लीज वो 9 के कॉन्सेप्ट को जाकर के दोबारा देखिए, अदरवाइज हवा बन जाएगी केमिस्ट्री आपके लिए.
अगर अभी नहीं करोगे और एक बार वो टेबल से थ्रू हो गए तो उसके बाद सबसे इजी केमिस्ट्री है, कभी रिएक्शंस लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, कभी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी रिएक्शंस भूलोगे नहीं, क्योंकि गलती के चांसेस ही नहीं है ना। आपको पता है कि किसकी वैलेंसी क्या है और कैसे कॉम्बिनेशन में कंपाउंड फॉर्म करना है, सो गो थ्रू विद दैट, ठीक है। सो नाउ व्हेन आयरन आर्टिकल इज बीइंग एक्सपोज्ड टू एयर एंड वाटर इट गेट रस्टेड विद अ लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑन इट, ठीक है, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आएगी एंड दैट रेडिश ब्राउन कलर्ड लेयर इज ऑफ द आयरन ऑक्साइड। किसकी लेयर होगी वो? आयरन ऑक्साइड की, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, Fe3O4। अभी फॉर द टाइम भी मैं चेंज इन कलर की रिएक्शन आपको नहीं लिखवाऊंगी, वैसे लिख गए थे, बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैलेंसिंग अभी मैंने सिखाई नहीं। सो लेट्स राइट डाउन, चेंज इन कलर का एग्जाम्पल इज रस्टिंग, द आयरन आर्टिकल विच इज बीइंग एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन विल गिव Fe3O4XH2O, ठीक है, because it is in the presence of water, this reaction is in the presence of water, XH2O मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे अभी इसीलिए नहीं लिख रही थी मैं reaction, that is why I was not writing, क्योंकि ये जो XH2O का concept है ये है water of crystallization, और water of crystallization जब मैं acid bases and salt में मैम वो H2O, मैम वो H2O उसके साथ ही है, H2O.XH2 है, ऐसे ही लिखिए .XH2O लिखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो, किसी भी चीज को जब पानी में गोल बनता है ना जब उसका, तब इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको सिर्फ ऐसे ही लिखिए, अभी आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आज फर्स्ट क्लास में नहीं करा रही हूँ, एज आई मूव ऑन विद द सब्जेक्ट धीरे 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 आपको सब चीजें समझ में आने लगेंगी। एंड दिस इज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन color. So we have studied the two changes. The first is change of state. The second is change in color. So pehla mera change of state, second mera change in color. Okay, let's now move to the next one, change in temperature. Let's go with the change in temperature. Good, Nirvan. Okay, let's go with the change in temperature. Move to activity 1.3. Please see to activity 1.3. Activity 1.3 NCRT. NCRT खोलेंगे, अपने सामने रखेंगे, activity 1.3 देखेंगे. Take a few zinc granules in a conical flask. एक conical flask में छोटे छोटे zinc के granules लेने हैं, ठीक है, and put them into dilute hydrochloric acid. HCl लेना है जो dilute है. We always use the dilute. Chemistry में, practicals में भी, whenever we go for the lab experiments, आपको जो lab में भी test tubes में या आपको pipettes में जो दिया जाता है, acid दिया जाता है, वो हमेशा diluted होता है, because concentrated अगर गलती से भी कहीं पे आपके हाथ पे गिर गया, so it will burn your finger. That is why we always give you diluted. Concentrated कभी नहीं देते, हमेशा acid में water mix हुआ हुआ होता है, वही देते हैं हम. So that is a dilute hydrochloric acid जो है वो आपने उसके अंदर डालना है, and it is clearly written you have to handle the acid very carefully. That is why we always suggest to wear the lab coats while going for the chemistry lab. क्योंकि if by chance something is going to be dropped, वो आपके lab coat के ऊपर गिरे, आपके ऊपर या आपके कपड़ों पे नहीं गिरे, because it is going to burn it. तो वैसे तो वो diluted होता है, but still it is also harmful. तो उसको उसके अंदर डाल करके छोड़ दीजिए, लीव इट फॉर सम टाइम बीइंग. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखेंगे आप? यू विल ऑब्जर्व दैट सर्टेन गैस इज कमिंग आउट आफ्टर सम टाइम. व्हाट डू यू ऑब्जर्व दैट सम गैस इज कमिंग आउट. नाउ हाउ डू आई कम टू नो व्हिच गैस इज कमिंग आउट ऑफ माय कॉनिकल फ्लास्क? व्हाट डू आई डू? आई जस्ट टेक अ मैच स्टिक, एक मैच स्टिक लेकर के जाइए और फ्लास्क के ऊपर रखिए. मैच स्टिक विल स्टार्ट गिविंग पॉपअप साउंड, ऐसे पट 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 की आवाज आने लगेगी. आर यू गेटिंग मी? That shows that the gas which is coming out of the conical flask is a hydrogen gas. आपको तीन gases के test करने होते हैं, एक hydrogen, एक oxygen, एक carbon dioxide. Hydrogen gas का कैसे पता चलता है? Pop-up sound, जो मैंने अभी अभी बताया कि matchstick लेकर के जाइए, pop-up sound आएगी तो hydrogen है. Oxygen होगी तो अगर आप matchstick लेकर के जाएंगे, वो जो
फ्लेम होगी वो और ऊंची उठने लगेगी, इट विल स्टार्ट बर्निंग विद मोर फ्लेम, है ना, मोर इंटेंसिटी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, बर्निंग में हेल्प करती है ना, तो फ्लेम और ऊंची होने लगेगी, दैट मीन्स देयर इज ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैसे पता चलेगा, लाइफ प्रोसेस में कराया था, लाइम वाटर लिया था टेस्ट ट्यूब में, यस, एंड वी ब्रीद आउट इनटू इट एंड द लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, मिल्की, वेरी गुड, इट विल टर्न मिल्की. तो ये तीन गैसेस के टेस्ट आपको बार बार करने होंगे, ऑलमोस्ट एवरीवेयर व्हेनेवर वी गिव द क्वेश्चन, अ गैस इज कमिंग आउट ऑफ द बीकर व्हिच गिव्स द पॉप अप साउंड विद द मैचस्टिक, gas is hydrogen, a gas is coming out of the beaker which turns lime water milky, the gas is carbon dioxide, a gas is coming out of the beaker which intends the light or the flame ko intense kare, that means it's oxygen. Samajh aa rahi hai meri baat? I repeat once again, activity 1.3 ek baar dobara bata rahi hu, listen to me very carefully. You have taken the zinc granules in the test tube, put it some dilute hydrochloric acid into it, shake it for the time being and keep it aside for 2 minutes. Some gas started coming out of it. When you get that matchstick near to it, it will start burning with a pop-up sound, shows that the gas which is coming out is a hydrogen gas. Okay? So what is happening here? And the beaker also get heated. आप देखेंगे कि beaker जो बाहर से गर्म हो गया है, तो conical flask था, वो बाहर से गर्म हो गया है. ठीक है, दैट मीन्स सम हीट इज ऑल्सो बींग रिलीज वेन दैट रिएक्शन वॉज हैपनिंग. जब वो रिएक्शन हो रही थी तब कुछ हीट निकली, एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एग्जिट, एग्जिट बाहर निकलना, जिस रिएक्शन में से हीट बाहर निकलती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, चलिए, लेट्स नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन, चेंज इन टेम्परेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस. दोनों का एग्जाम्पल है ये, मैंने आपको बोला था साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेसेस हो सकते हैं, सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर. राइट डाउन बोथ ऑफ देम टुगेदर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड एंड फोर्थ टुगेदर, एवोल्यूशन ऑफ गैस and change in temperature. We took the zinc granules, we put them in dilute hydrochloric acid. Once again, I am not balancing the reactions. We will balance the reaction once we'll move to the next class. So this will be ZnCl2 compound formation. Zinc ki valency 2, chlorine ki valency 1, plus hydrogen gas is released. H2 gas is released which give the pop-up sound. So it gives the pop-up sound. That's my activity 1.3. Are you all getting me?